पहले हम जरा एक ओवरव्यू ले लें कि बच्चों की गजा में होना क्या चाहिए। प्रोटीन होनी चाहिए। प्रोटीन इसलिए जरूरी है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। क्या क्या आ जाता है प्रोटीन में? मैं आपको पहले ये बताऊं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है और बच्चे को ताकत चाहिए चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। प्रोटीन ही उसको वो एनर्जी देगी कि वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन। बाकी नॉर्मल फंक्शंस के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन जिन चीज़ों में है वो है अंडे, वो है मीट, वो है मिल्क, वो है बीन्स वगैरह, या जैसे लोबिया हो गई, चिकपीज हो गए, इनमें इनके अंदर ये प्रोटीन पाई जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जैसे मटन वगैरह का इंतखाब करें, बस सब्जियों का इस्तेमाल प्लीज़ ज़्यादा करें। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अब हमारे कीटो डाइट और इतने फैट डाइट्स आ गए हैं जिसमें कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि जी आप कार्बोहाइड्रेट्स को डाइट में से कट ही कर लें। कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बच्चों की डाइट में से आपने कुछ नहीं कट करना। इवन अगर बच्चा मोटापे की तरफ जा रहा है तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं छीनने। आपने ये काम करना है कि आपने स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट्स देने। अब तीन किस्म के हैं, शुगर है उसमें, स्टार्चेज हैं, और उसमें बाकी ये रोटी वगैरह, तो आपने फाइबर है। आपने ये करना है कि आपने शुगर कम देनी है और आपने वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं जिसमें स्टार्चेज हो या जिसमें फाइबर हो। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जिन बच्चों के लिए हम अपना दिन रात एक करते हैं, अगर उनकी सेहत, उनकी गजाइत और ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर ये कौम की प्रायोरिटी भी नहीं। बिल्कुल। सो वो जो कंस्ट्रक्शन अगर रोड्स की है, पुलों की है, तो सबसे अहम बात तो है कौम की सेहत और कौम के मुस्तकबिल की। एग्जैक्टली, द फ्यूचर सतून तो मजबूत करें ना, जिसमें ये सारा कुछ मैनेज करना है। तो उसमें आप स्मूदीज बनाएं जिसमें आप फ्लैक्सीड डालें, यानी अलसी का, बहुत सस्ता सा मिल जाता है, खुद भी खाएं, खुद भी पिएं। आमंड्स को क्रश करके डाल दें। माई दूध को गायब कर ही देती है कि बच्चा कहता है मैंने दूध नहीं पीना, तो उसमें जिद्दत पैदा करें ना, उसमें और चीज़ें डालें कि वो खुश होके खाए। कभी स्ट्रॉबेरीज डाल दें, बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, शेक, वो स्मूदी जैसे आप हाँ, कुछ भी हो, दही के अंदर स्मूदी बना दी अगर बच्चे को दूध नहीं हजम हो रहा तो। इस तरह की चीज़ें, आयरन और कैल्शियम और फॉलेट, तीन बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आयरन में आ जाता है आपका ये जो है स्पिनिच, कलेजी। कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है।